13 दिसंबर 2023 को जो घटना यहां पर हुई, उसमें जिस प्रकार से यहां की सिक्योरिटी में दखलंदाजी हुई, दो लड़के दिल्ली पुलिस के कॉर्डन से निकल आए, सीआरपीएफ के कॉर्डन से निकल आए और गैलरी में पहुंच गए, गैलरी से नीचे कूद गए, सिक्योरिटी का इतनी बड़ी असफलता हमने देखने को नहीं मिली। जितनी भी ऐसी घटना आज तक हुई है उसमें किसी भी सरकार रही हो, यहां तक कि जब 2001 में 13 दिसंबर को टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, उस समय होम मिनिस्टर अडवाणी जी थे, उन्होंने अपना बयान दिया था, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था और पूरे सदन ने उनका साथ देने के लिए हमने संकल्प लिया था। लेकिन वो समय था जबकि संसदीय प्रणाली संविधान से चलती थी, नियम से चलती थी। अब ये संसदीय प्रणाली जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी चलाते थे, वो संसदीय प्रणाली अब वे लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली में चलाना चाहते थे। अरे उसी दिन उनका बयान हो जाता तो व्यवधान ही नहीं पैदा नहीं होता। महत्वपूर्ण बिल थे, हम सब उस पर चर्चा करना चाहते थे, उन्होंने अनसुनी की और अनसुनी करने के बाद लोगों का निलंबन प्रारंभ कर दिया। अब यह हमारा हक है कि हम ऐसी घटना में जहां की दो लड़के सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के कॉर्डन से निकलकर वे गैलरी से नीचे कूद जाएं, ये तो गनीमत है कि जो गैस था वो स्मोक गैस था। अगर वही अगर उसमें लीथल गैस होता और इसका SARIN सैरिन गैस ऐसा होता है जिसमें कि 5 मिनट में जो उसके आसपास हो वो बच नहीं सकते, तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद सुइसाइड अटैक करता तो हम लोग क्या करते, पूरा सदन उस दिन साफ हो जाता। अगर हमारी मांग अनुचित होती हमें ठीक है, हम उसमें भागीदार होते, लेकिन जो बयान अडवाणी जी ने, अटल जी ने उस समय दिया था, जिसको कि हमारे पूरी विपक्ष ने समर्थन किया, आज यदि वही उसी प्रकार का बयान, क्या बयान देना था जो उन्होंने बयान दिया, जांच हो रही है, जांच करेंगे बताएंगे, यही बयान अगर वो हाउस में दे देते तो किसी को आपत्ति नहीं होती, ना निलंबन होता ना व्यवधान होता। इंपॉर्टेंट बिल्स थे, हम सब उसमें भाग लेना चाहते थे, टेलीग्राफ एक्ट है, अभी ये होम मिनिस्ट्री के बिल्स हैं, पुलिस बिल्स हैं, इन पर हम चर्चा कराना चाहते थे। ये पुलिस बिल्स जो है अंग्रेजों के जमाने के कानून से ज्यादा ड्रेकोनियन है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर, हमने आपत्ति की। मैं होम मिनिस्ट्री के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, उसमें हम लोगों ने इसमें आपत्ति की थी। तो ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई हुई है और जैसा कि जवाहर सरकार साहब ने ठीक कहा कि ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रही है कि जब हाउस चलता रहे तो कोई भी जिम्मेदार मंत्री या प्रधानमंत्री सदन के बाहर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो पॉलिसी मैटर हो या इस प्रकार की बात हो, लेकिन पूरे देश में इनके भाषण हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन सदन में शर्मा रहे हैं। ऐसी क्या भाई, हमसे क्यों घबराती इतने, आप लोग आइए मैदान में बात करिए, हम लोग आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, जवाब दे दीजिए। सुरक्षा में सीआईएसएफ से पार्लियामेंट का गला घोटा जा रहा है और होम मिनिस्टर साहब धीरे धीरे स्पीकर को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर आकर, पूरे तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को बलाए ताक रखा जा रहा है। मैं तो आपसे कहता हूं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी का पद खाली क्यों है, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी व्यवस्था यहां पर थी, जब भी कहीं गैलरी से कोई कूदा है तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फोर्स के लोग उसके साथ नीचे कूद कर उन्हें पकड़ा है,
लेकिन सीआरपीएफ के बंदे वहां पर थे, वो क्यों नहीं कूदे? ये सारी बातें हम लोगों को पूछना चाहते थे, अब किससे पूछे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हक हमारा है रूल 258 में। मैंने सुबह भी पूछा, डिनाई कर दिया, आज भी कहा, डिनाई कर दिया। अरे भाई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो व्यवस्था का प्रश्न तो हर विषय के संचालन की प्रक्रिया से हम पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछा गया, क्यों नहीं अलाउ किया गया? सुबह उपसभापति जी और आज दोपहर में सभापति महोदय, अरे हमारे तो देखते भी नहीं है, ये क्या है? ये लोकतंत्री व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया है, और यही 2024 में हम लोग इस बात को साथ में रखना चाहते हैं कि यदि इस देश में संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो ये व्यवस्था जो है, जो भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लागू करना चाहते हैं, ये भारतीय संविधान को समाप्त करके एक तंत्र लाना चाहते हैं और लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समाप्त करना चाहते हैं।